वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 15, अनुराधा। भारतीय समाज निरंतर विकास के पद पर अग्रसर है, परंतु जिस गति से मानव ने भौतिक विकास किया है उस गति से उसने जागरूकता विकसित नहीं हुई है। यही कारण है कि आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा युवा तथा किशोर वर्ग आज विशेष रूप से दिशाविहीन है। पुराने जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है तथा नए जीवन मूल्यों का विकास हो नहीं पा रहा है। इसी कारण यह वर्ग बीच में पिसता हुआ अनन्य की स्थिति में पहुंच जाता है। कभी कभी विद्रोही स्थितियों में जीते जीते ऐसे ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। परंतु क्या ये जीवन शैली उचित है? आइए प्रस्तुत पाठ में एक कहानी पढ़ते हैं। इसकी मुख्य नायिका अनु अपने जीवन की विषमता परिस्थितियों में जिस प्रकार का जीवन बिताने का निर्णय लेती है, उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप मिथकों और भ्रांतियों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। प्रजनन व यौन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। दैनिक जीवन में आने वाली संभावित समस्याओं के प्रति सावधान हो सकेंगे। यही समय पर निर्णय न लेने के परिणाम बता सकेंगे। एड्स ग्रस्त परिवार और समाज के बीच के संबंधों पर टिप्पणी कर सकेंगे। भारतीय परिवार में नारी की स्थिति और उसके संघर्ष की विवेचना कर सकेंगे। यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अनुराधा कहानी का सार बता सकेंगे। क्या कलाप समस्याओं से जूझते वातावरण समाज में हम किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सदा ही हमारी समस्याओं को सुलझाने आगे आएगा अथवा हमारा सहारा बनेगा। पुरुष हो या नारी, उसे स्वयं अपना निर्णय लेने में समक्ष होना है। उसे जितना जागरूक बनाना है कि अपने भविष्य में संभावित कष्टपूर्ण स्थितियों से स्वयं के बचाव के रास्ते निकाल सकें। क्या आप अपने सुखद भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की तैयारी की है? किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। मूल पाठ अनुराधा। आइए सबसे पहले मूल कहानी को पढ़ लेते हैं। यह अधिकार सिर्फ संभल के हिस्से में आता है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व भी आते हैं। इसलिए मैंने आज अपना सारा बल समेट लिया है। शेष जो बच गया है उसे भी बटोर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना मौजूद सुरक्षित चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि से इस अग्रसर प्रभाव में मेरा भी कहीं कोई अंश है, मेरी भी अपनी कोई भागीदारी है। मैं आज इस सृष्टि में अपना हिस्सा, अपना जीने का अधिकार चाहती हूँ। इसमें स्वाभाविक अस्वाभाविक क्या है? क्या जीवन एक सहज सामान्य प्राणी का सहज अधिकार नहीं है? यदि योग्यतम को ही यहाँ जीवन रक्षा का अधिकार है, तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने आप को योग्यतम सिद्ध करूँगी। विजय मेरे पति अब नहीं रहे। बड़ी घृणास्पद और भाव्य वे बीमारी से मौत हुई थी। उनकी एड्स से वे ही जाने की कहां से टोकर लाए थे। ये बीमारी किसी सैलून में हजामत बनवाते वक्त या फिर किसी डॉक्टर से सुई लगवाते समय, या मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उनकी बीमारी के लिए मैं कहीं से दोषी नहीं थी, किंतु उसके सारे दुष्परिणाम, भय, घृणा, यहाँ तक कि संक्रमण की मुझे ही झेलने पड़े थे। विजय पुरुष थे, मेरे स्वामी थे, और मैं उसके जन्म जन्मांतर की दासी। सोचती हूँ
देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्यों करे कोई स्त्री अपने पति का स्वामित्व स्वीकार? इस दास्तव का पर्याय शहर की बीए ललिता कला पास लड़की में पिता की इच्छा और हैसियत के मुकाबित 20-21 बरस की उम्र में विरह कर इस घर में आई थी। विजय शहर में नौकरी करते थे और शहर के करीब 8-10 किलोमीटर के निकटवर्ती गांव बैरमपुर के अपने पुश्तैनी मकान से शहर आया जाया करते थे। मैं चाहती थी कि मैं ललित कला को अपना करियर बनाऊं और प्रसिद्धि पाऊं, लेकिन माँ की जिद थी कि विवाह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए और फिर जब मर्द कमा कर आए तो औरत को काम करने की क्या ज़रूरत। विवाह में विजय के पुश्तैनी आवास में ही गई थी। गांव गवाई का पक्का मकान, बीच में आंगन, चौथा बनाने कमरे और आंगन के चौथरफा बड़े बड़े गोल खंभों वाले दोहरे बरमद्दे मकान तो पुराना नहीं था, लेकिन इसकी सजावट पुराने ढंग की थी। आंगन के पूरब की ओर एक कमरे में अम्मा जी अर्थात विजय की माँ रहती थी। अम्मा के कमरे के ठीक सामने दोहरे बरदे और आंगन को पार कर एक दोहरा बरमद्दा पड़ता था, जिसके पार एक कतार में बने कमरों में से एक विजय और मुझे रहने के लिए दिया गया था। दिन अच्छे ही बीत रहे थे। विजय घर के बड़े लड़के थे, मैं बड़ी बहू। विजय का विवाह बड़े अरमानों के साथ किया गया था और मैं बहुत चुन छाट कर बड़े स्नेह के साथ बहू बनकर इस घर में आई थी। विजय सहृदय और प्राणी पुरुष थे। कम से कम मुझे तो उन दिनों ऐसा ही लगता था मैंने ही यथासंभव इस घर और विजय के पति अपने संपन्न में कोई कमी ना आने दी। लोग कहते थे विजय और अनुराधा की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है, मगर इस जोड़ी को जल्दी ही ग्रहण लग गया। घर में 2 साल बीते ना बीते मैंने अनुभव किया अम्मा थोड़ी चिचित हो रही थी और मेरे पति उनका मन भी थोड़ा खट रहा था, किंतु अम्मा को कैसे बतलाती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अव्वल मैं तो अभी माँ बनने से डरती थी और दूसरे विजय भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने विजय से इशारा किया जिसे वह हंसकर टाल गए। लेकिन हमारी असली परेशानी तो विजय की बीमारी को लेकर शुरू हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर, फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक का इलाज। अंदर डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि विजय का HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी हिदायतें दी और ख़ासकर मुझे विजय से बचे रहने की सलाह दी। विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके डॉक्टर ने हमें एक लंबा फीस क्रिशन थमाते हुए कहा, इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए। मैंने लिख दिया है। हमारे चेहरे विवर्ण हो उठे थे। हम घर लौट आए। घर से बाहर दूसरे शहर के अस्पताल जाने की ना तो हमारी तत्काल मानसिकता थी और ना वह इतना तुरंत फुरत संभव था।
विजय को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वह अपने कमरे में छिपे पलंग पर एक ही पड़े थे। मैं कमरे के कोने में बैठी थी और घर के काफ़ी व्यक्ति उस लंबे आंगन, उस चौड़े दोहरे बर्दे के काले कोसों में बने अज्ञात गुफानुमा कमरों में निःशब्द समेटे हुए थे। विजय ने किसी भी दूर दराज के अस्पताल में जाने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था, मैं जानता हूँ मेरा रोग लाइलाज है। मैं किसी खैराती अस्पताल की प्रयोगशाला में मेंढक की भांति प्रयोग झेलते हुए एक खैराती मौत क्यों मांगूं? मैं यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा, अपने घर में, अपने लोगों के बीच। दूसरी ओर अजय थे, विजय के छोटे भाई। उनका कहना था, संक्रमण रोग है, जान लेवा है। एक आदमी की इच्छा के आगे पूरा घर तबाह क्यों हो, क्यों झेले दूसरे लोग? संक्रमण का यह है वह मृत्यु का यह अभिशाप। अंत अजय घर छोड़ गए। उन्हें अपनी चिंता थी, अपने भविष्य की चिंता थी, अपने सामाजिक सरोकारों की चिंता थी, असंख्य चिंता थी, जिनसे जुड़कर अजय ने निकटवर्ती शहर के यथासंभव दूर के छोर पर किराए के एक घर में रहना शुरू कर दिया और जल्दी ही गृहस्थी बसा ली। रह गए अम्मा बाबूजी, वे कहा जाते बड़ा सा घर, जैसे हमारे लिए प्रियतों का वास बन चुका था। पूरी दुनिया भाई बिरादरी के लिए हमारा घर घृणा का पात्र बन चुका था। विजय के रोग की बात दवा नल की तरह फैली थी। कोई हमारे नदजी का भटकता ना भटकता था। मानो घर से गुजरने वाली हवा भी दूसरों को संक्रमित करती है। इलाजा बाबूजी अपने कमरे में यथासंभव तत्स्थर पड़े रहते और अम्मा लंबे चौड़े आंगन के दोहरे बरबत्तों को पार कर अपने कमरे में कैद हो गई थी और मैं विजय के कमरे में छोड़ दी गई। आखिर मैं सिवा उनकी सेवा करता कौन? आखिर मेरे सिवा उनकी सेवा करता कौन? अग्नि और विश्वकर्मा को साक्षी मानकर जन्म मरण के प्रति साथ प्रतिसंबंध हुए थे। सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ देती? झूठ नहीं कहूँगी, मृत्यु का भय और उससे बढ़कर इस बीमारी का भय तो मुझे भी अक्रोध करते थे, किंतु मेरे संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं के भय मेरे उस मृत्यु भय पर भारी पड़ते थे। मैं सोचती, पढ़ लिख कर मैं भी संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई। त्याग, सेवा, पति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझ जैसी सुशिक्षिता आत्मचैत्य स्त्री को थामे हुए है। सच कहूँ, कभी कभी तो मैं अहंकार भाव से भी भर जाती थी, लेकिन जल्द ही मेरा अहंकार मेरी इन आत्मा मुक्तताओं से, मेरी निष्ठियों का दौर भी आरंभ हुआ। डॉक्टर की चेतावनी के बाद बुझ मैं विजय के कमरे में ही सोती थी। इसी 8x9 के डबल बेड पर, ताकि विजय एक ही ना महसूस करे। रात ढल रही थी, खाना जैसे भी हम खा सकते थे खा लिया था। विजय पलंग के एक और बड़े हुए करवटे बदल रहे थे और दूसरे छोर पर मैं असंध्य व्यक्ता से भरी हुई जाग उठी थी। अन्यास ही विजय के हाथ मेरे बालों को सहलाने लगे थे। मैंने अपने पन से भरकर सन्वरता के भाव से उन हाथों को थाम लिया। हाथ गर्म थे, जाहिर था उन्हें बुखार था। मैंने चरम व्यथा और करुणा से भरकर विजय की
गर्म हथेली को अपने चेहरे और तकिए के बीच में रख कर दबा लिया। मन में आया चीख चिल्ला कर रो, ना जाने कब मेरी आंखों से आंसू धारा बह निकली। उसे विजय की हथेली गीली हो गई उठी गीली हो उठी थी। विजय अपने स्थान से खिसकर और भी निकट आ गए थे। उन्होंने मेरी रंग हथेलियों से मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए गौर से देखा, फिर मेरे आंसू पहुँच कर कहा, तुम इस तरह रोती हो तो मुझ पर क्या बीतती है। उसे तुम समझ पाते हो, मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितने दिन भी जी सकूँ मृत्यु भय से मुक्त होकर जी सकूँ। मैं अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता अनु, मैं जीना चाहता हूँ। और आंसू थामने की वजह और भी प्रवाहमान हो उठे। विजय की व्यथा भी जैसे घटने की वजह मेरे आंसुओं से और अधिक तीव्र हो उठी। कैसी विचित्र परिभाषा थी प्यार की। विजय कहता, मेरी जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है मैं उसे तुम्हारे अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूँ। एक बच्चा तुम्हें दे जाऊँ जो मेरे बाद तुम्हें तुम्हारा संभाल हो सके, किंतु मैं तो जैसे अपने आंसुओं के सैलाब में स्वयं ही डूबती जा रही थी। विशुद्ध विजय ने अपनी उतर्त अंगलियन ने मुझे बांध लिया था। दूसरे दिन घर के पिछवाड़े से लगे छोटे बगीचा नुम्बा खंड में अम्मा जी ने मुझे घेर कर कहा, विजय से भगा ना करो, दुल्हन यही तो औरत का धर्म है, पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है, इसी में औरत का इन लोग और परलोक दोनों हैं। अम्मा की बातों से मुझे किसी साहित्यिक पत्रिका की वह पंक्ति स्मरण हो चली, जिस्म के मकान को हमेशा सजा धजा कर रखना चाहिए चाहे उसका मालिक कैसा भी हो। मैं कैसी समझती अम्मा जी को कि औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी है। दिन बीत रहे थे ऐसे ही घिन्ना प्रेम दया क्रोध जीवन मृत्यु रोग अशुद्धा के द्वेष में विजय प्रतिदिन छींकते जा रहे थे। अब ना तो उसके पास उनकी ही आक्रामक मुद्रा बची थी ना वैसे ही उद्दम दैहिक वासना। धीरे धीरे उनका बिस्तर उसे उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था और विदाई की वह घड़ी भी सामने आ गई। घोर काली रात थी, बिजली गुल थी, विजय के पास अकेली मैं बैठी थी। आज सुबह से ही अचेत विजय के गले से घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बाबूजी विजय की हालत देखकर शाम को ही अजय को लिवा लाने शहर चले गए थे। क्रम से विजय के खंड के घर घर को ध्वनि छीन होते हुए बंद हो गई। मैंने उनके मुंह के पास कान सटाकर सुना, उनकी छाती पर सिर रखकर सुना, उनकी पुतली कलाइयों को थाम कर सुना, तभी मौन थे। तब मैं रोना चाह रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। विजय के जाते ही मैं जैसे भरमुक्त हो उठी थी, भयमुक्त थी। मेरे कंठ में बहुत दिनों से जो रुलाई अकड़ी पड़ी थी आज वह भी मुक्त हो जाना चाह रही थी। मैं विजय की लाश को वहीं छोड़ लंबा आंगन चौड़ा बरदा पार कर अम्मा के कमरे तक गई और बाहर से आवाज़ लगा दी, अम्मा जी देखिए, जरा चल कर देखिए। अम्मा जी शायद जगी हुई ही बैठी थी। क्या हुआ, चला गया विजय? अम्मा जी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी।
प्रीत ध्वनि की भांति समेटे भरी, पर जब समय को लकवा मार जाता है तब संता स्वयं खींचने चिल्लाने लगता है। अम्मा भी भीतर से जरूर चीख रही होगी, आगे आगे मैं चली, पीछे पीछे अम्मा। अम्मा ने पास जाकर विजय की नब्ज तोली, धड़कने आखिरी देह को छुआ और लंबी सस रसवास लेकर कहा, चला गया मानो। प्रीत बोले, अम्मा ने स्थिर स्वर में मुझे आदेश दिया, इसकी छाती पर गर कर नहीं रोना, दुल्हन बच्चे को मिरनी के दौरे आएंगे, जो चला गया सो चला गया, उसे तो दह जाना होगा ना, जो बच गया। अम्मा शायद होने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी, पर मैं क्या बची हुई ना थी, मुझे सहने की चिंता किसी को नहीं थी। सवेरे अजय आए अपनी पत्नी करुणा और बाबूजी के साथ, अन्य कोई नहीं था हमारे इर्द गिर्द, पड़ोसी तो दूर की बात, सगे संबंधी भी विजय की बीमारी की असलियत जानकर साथ छोड़ गए थे। अंतिम संस्कार व अन्य क्रियाक्रम जैसे तैसे पूरे हुए, मगर इस सारे पराकरण में मैं तष्ट रही, मानो मैं तमाशा वीण हो उठी थी। भोक्ता तो भोक्ता करता भाव भी मुझे कोसी दूर था, मगर हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी मैंने हाथ लगाया, अंत यह अभियान पूरा हुआ। लेकिन नहीं, अभी मैं बाकी थी। मैंने स्पष्ट सुना कि मुझे स्नान गृह का एकांत छोड़कर नहर पर जाकर खुले में स्नान करना होगा। घर के पिछवाड़े गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर लहर बहती थी। अम्मा जी और मैं उधर ही चल दिए। अम्मा जी के हाथ में सफ़ेद सी डोरी थी, विजय को ढोवाए जाने वाले कफन से जरा सी अलग सो मुझे पहनी थी। लहर का रास्ता मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं था, इससे पहले मैं सिर्फ एक बार लहर पर आई थी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। तब नई नई विवाही इस गांव में आई थी, विवाह के चौथे दिन चौथरी नहाने वह की वह परंपरा स्मरण थी, रंगीन कपड़ों में दफनाते कंगनों में लिपटी थी, सजे सवरे विजय खुश थे, रंग बिरंगी पोशाकों में सजी धजी गांव रिश्ते की तमाम औरतें थी। आगे आगे ढोल बजता ढोलिया था, चूहल करते गांव के छोटे छोटे बच्चे थे, पीछे पीछे झूमर गाती औरतें थी, और उस झुंड में भीतर भीतर हुल सिती लजाई चाल से चलती थी मैं। अब वहाँ गर्व और आनंद की दीप्त चेहरे वाले विजय थे। मुझसे 10 कदम की दूरी पर अम्मा चली आ रही थी, मौन आज की इस शाम में धरती पर से किरणों का सुलना मचाना उठ चुका था। एक उदास कलिमा से वसुधारा अवेट्स थी, आकाश में उड़ते पंछियों का कर्मक्ष मौन होता, लरवर विदा के शोक संगीत गा रहे थे स्नान के बाद। अब इधर सफ़ेद धोती लपेट सिंगार विहीन एक वस्त्र में घर लौटी, जो जैसे एक दूसरी अनुराधा हो चुकी थी, फिर भी मेरे भीतर की अनु विजय और उनके साथ बिताए गए अतीत के क्षणों को पल पल अपने तृप्त निस्वात के रूप में मेरे सामने उछल देती। घर लौटते लौटते राह की हवाओं में मेरे बाल लगभग सूख चुके थे और अब धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। मेरे रेशमी बाल
मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के अस्तित्व में आ जाने की घोषणा के साथ अजय ने इस बात पर बल दिया कि जिस लेडी डॉक्टर की देखरेख में मैं हूँ उसे विजय की बीमारी के बारे में बतला कर अनुराधा भाभी और उनके होने वाले बच्चे को तो खतरे से बचा लिया जाए, किंतु ना तो अम्मा उस पक्ष में थी ना ही बाबूजी। मैंने सांस जुटाकर दबी जवान अम्मा जी से कहा था, डॉक्टर्स को सब कुछ बताकर मेरी HIV जांच भी करवा लेनी चाहिए। अम्मा ने कड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, फ़ायदा मान लो कि यदि मेरे बेटे को रोग तुम्हें लग ही चुका है तो भी क्या इसका इलाज संभव हो सकेगा। क्रोध के बावजूद मैंने पाया कि अम्मा जी के तख्त में दम था। मैं ठीक ठीक तो आज भी नहीं जानती कि यदि एक बार किसी को HIV पॉजिटिव निकाल आए तो उसका इलाज हो पाता है या नहीं, किंतु ये बात मुझे भली भांति मालूम थी कि जिस व्यक्ति का HIV पॉजिटिव हो वह पारिवारिक परिवेश में घृणा का पात्र बन जाता है। उस बात को मैंने विजय की बीमारी में अच्छी तरह अनुभव कर लिया था। मेरे लिए तो इतनी घृणा झेलते हुए जी पाने की कल्पना भी निसंदेह थी। फिर एक भारी अंतर यह था कि विजय पुरुष थे और मैं स्त्री। होने के बाद वो जुनून उपेक्षा और घृणा का दस झेलना पड़ा, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा आश्रय तो मेरा पतिगृह भी नहीं बनता, क्योंकि कन्यादान के बाद मेरे पिता मेरे भार से मुक्त हो गए थे। माँ की छाती पर बोझ और पिता की पीठ पर सवार मैं भी वियोग के बाद इन तमगों से मुक्त हो गई थी। विजय के प्रतीक आवास पर भी मैं कोई दवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने उनके लिए तो मैं पराए घर की बेटी थी, फिर मेरी सेवा कौन करता। मैंने तो सामाजिक दायित्व और बंधनों के चलते विजय की देखभाल की, लेकिन मेरी देखभाल कौन। विजय की बीमारी के दौरान आज आर्थिक रूप से टूट चुके थे, अंत सुरक्षित प्रसाव के लिए भी मुझे शहर में रखने का भारी खर्च उठा सकने में बाबूजी असमर्थ थे। यद्यपि विजय की मृत्यु के पश्चात हमारी हैसियत लखपति की थी, क्योंकि अब बीमा कंपनी दफ्तर आदि के द्वारा मृत विजय के आश्रितों के नाम लाखों रुपए दे थे। दीनता की प्रतिमा बने बाबूजी प्रतिदिन 10 बजते 9 बजते खा पीकर घर से विजय के दफ्तर को निकलते और शाम ढले लौट आते, कभी निराश और कभी दफ्तरों से मिले कल परसों के आवासनों के साथ। आज बाबूजी कुछ जल्दी लौट आए, वह कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। पता चला कि PF का चेक मिल गया है। हालांकि राशि कम थी, लेकिन बाबूजी को आश्वासन करने के लिए काफ़ी थी कि अब धीरे धीरे सब मिल जाएगा। बाबूजी ने बताया कि चेक मेरे नाम था और यह राशि मेरे बैंक खाते में ही जा सकेगी। सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा था, शायद इसलिए बात घुमाकर बोली, अब कहो तो भला कैसे जाएगी ये बेचारी शहर, हद कर दी है, सरकार भी नए नए कानून पास कर देती है। 2-3 दिनों बाद मैं और बाबूजी टैक्सी में बैठकर शहर गए थे। बैंक के दरवाजे पर अजय खड़े थे, तभी औपचारिकताएं पूरी करके बैंक में खाता खुल गया था, संयुक्त खाता मेरे और अजय के नाम। सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए नहीं कि पैसे मेरे अधिकतर क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेरे सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। मुंह खोलकर तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी मेरी आंखों में उभर आए सवाल को पढ़ पाए थे। उत्तर मिला था, तुम्हें बार बार शहर आने की परेशानी होगी, इसलिए
खाते में अजय का नाम भी डलवा दिया है ताकि पैसे आसानी से निकाले जा सके। परेशानियां दूसरी भी थी, पेट में बच्चा था और दिन प्रतिदिन संक्रमण का भय मुझे सता रहा था। मेरी देह का अस्तित्व तो जैसे निचुड़ता जा रहा था। आलस्य, पीड़ा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन के भाव मेरे असंत में स्थायी होते जा रहे थे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। एक मानसिकता आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भय वे मौत तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। मुझे मुक्त होना ही होना, अतीत से, अपने रोग से और अपने भय से। जीवन का मोह मेरे भीतर बहुगुणित होकर अड़ाइया लेने लगा था। मैं निर्णय कर चुकी थी। सवेरे मैं बाबूजी के सामने थी, कुर्सी पर बैठकर बाबूजी कल का पुराना अखबार पढ़ रहे थे। मैं सांस टटोल कर बोली, बाबूजी मुझे अपना चेकअप कराना है। बाबूजी के चश्मे के ऊपर से गौर से मुझे देखा और कहा, हूँ उनका संक्षिप्त हूँ और भेदक आँखें मुझे डरा नहीं सके। मैंने ठीक होकर कहा, नहीं बाबूजी, हूँ से काम नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर को ठीक ठीक दिखा कर अपना ढंग से इलाज करवाना चाहती हूँ, अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती हूँ। विजय का रोज मुझ तक उतर आया है। मैं या तो उसकी पुष्टि उससे निकस निश्चित चाहती हूँ। मेरा स्वर संवत कुछ तेज हो गया था, जिसे सुनकर अम्मा जी दौड़ी चली आई। मेरा हाथ खींचकर बोली, बोरा गई है क्या? कहीं सास ससुर से इस तरह की बातें की जाती है? जाने कैसी विद्रोह मेरे भीतर पनप आया था कि मैंने झटपटाटे से अम्मा से बहरे छुड़ाई। मुझे इलाज चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी चेकबुक पासबुक चाहिए। मैं खुद तसल्ली से अपना इलाज कराऊंगी। झटका खाकर अम्मा जी खड़ी सी रह गई थी। अब वह दोबारा सोचती हुई, अच्छा तो पैसे के लिए इतना पछड़ा है? अम्मा जी का स्वर खास तीखा और अपमानजनक था। नहीं, पछड़ा हक का है, सवाल अपने होने का या ना होने का है। मेरे अपने मौजूद कहाँ है? दृढ़ स्वर में मैंने जवाब दिया था। बाबूजी ने मुझे बीच में ही टोला, इस सिनेमाई भाषा को अपने कॉलेज के भाषण बैठकों तक ही रखो, यहाँ मत बोलो। मैं जानता था ये पछड़ा एक ना एक दिन जरूर उठेगा, इसलिए मैंने पासबुक, चेकबुक सब कुछ अजय के हवाले कर दिया है। उफ, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ। इन आरोपों के पस्तुतर देने की वजह मैंने अपना निर्णय सुना दिया तो मैं शहर जा रही हूँ अजय के पास। मैंने भीतर जाकर साड़ी बांधी, कंधे से बाल सवारे, लटालट पर बंदिया लगाई। अब मेरे लिए यह मेरा सुहाग चिन्ह नहीं, मेरा सिंगार थी। अच्छी सुरुचितपूर्ण और व्यवस्थित दिखने का साधारण मेरे शरीर की बाह प्रतीक, मेरी वेशभूषा तो मेरे व्यक्तित्व का ही एक अंग है। मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों नगू, मैं क्यों त्यागू अपना सहज जीवन? पता मेरे पास था, थोड़ी परेशानी जरूर हुई, किंतु आखिरकार मैंने अजय का घर खोज लिया था। दरवाज़ा खुला था, मैंने आवाज़ दी, करुणा। वह दोनों भीतर से बाहर आए, एक बार चचित हुए थे मुझे आंगन में खड़े देखकर, फिर अजय लपट कर मेरे पास आए, मेरे चरण छुए। बाद में करुणा ने भी उनका यह व्यवहार मेरे लिए अपशिष्ट
था। मैंने सेज ही अनुमान लगा रखा था कि कहीं ना कहीं उनके क्रोध ही हिकारत और भय के केंद्र में भी हूँ। विजय की पत्नी होने के नाते ही सही विजय की पत्नी होने की मुझे क्या क्या कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इनकी इस खतरनाक बीमारी के साथ सामाजिक पारिवारिक सरोकारों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह विजय के मरणोपरांत भी वहां थमा था। यहां तक कि उसकी मौत पर संवेदना प्रकट करने आए मेरे पिताजी भी मुझसे ना जुड़ सके थे। एक आपसीय सा भाव बरतते हुए वह जो वापस लौटे थे तो फिर दोबारा उन्हें मेरे कमरे मायके वालों ने मेरी कोई खोज खबर लेने की चेष्टा नहीं की, पर इसके लिए मैं अकेले उन्हें ही दोषी क्यों मानूं? सबके भीतर तो विजय के सर्ग में मेरी रोगी बनने की धारणा घर कर गई थी। इस रूप में मैं सबके लिए मृत्यु का व्यर्थ थी। सभी तो मुझसे मेरे रोग से डरते थे। कौन ना डरे मृत्यु से? क्या मैं नहीं डरती थी? क्या आज उस रोग के भय से मुक्त हूँ? अजय मुझे कमरे में लेकर आई। करुणा ने मेरी वहाँ पकड़ कर बिस्तर पर बैठा दिया। अच्छा किया दीदी जो घर से बाहर निकल आई। बाहर घूमने फिरने से मन बदलेगा, करुणा नम्र स्वर में बोली। मैं पूर्णतः व्यसित हो चुकी थी। यथासंभव व्यसित होने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा, मैं अम्मा बाबूजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई हूँ। वह चुप रहे। मैंने बात आगे बढ़ाई कि पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ अजय, मैं ठीक से इलाज कराना चाहती हूँ। अजय मौन थे। मैंने कहा, तुम मेरे यहाँ होने से डर तो नहीं रहे हो अजय? अजय सूखी हंसी हंस पड़े थे। क्या कर लगी, मैं डर कर वैसे भी बहुत डर लिया। डर कर आदमी कहाँ तक भागे? जिम्मेदारियाँ ना तो है ना, घर की परिवार की समाज की। सावधानी तो ठीक है लेकिन डर वह निरर्थक है। जब उन दिनों रोग विपिष्ट होने के भय ने मुझे भागने पर उकसाया, पर मैंने पाया भागना असंभव है। कहाँ तक किस किस से भागूंगा? दुनिया से भाग सकूंगा क्या? अजय के स्वर में आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी ओर देखा और बच्चों की भांति निश्चल हंस पड़े। लगता है आप डर गई हैं। हाँ मैं डर गई हूँ। हाँ अनुराधा जीना चाहती है इसलिए डर गई है, और डरकर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूँ। अजय की सद्भावना पर विश्वास का कोई कारण नहीं दिखता। फिर भी सोचती हूँ यदि डॉक्टर जांच के दौरान मेरे भीतर रोग के लक्षणों की पुष्टि को जाती है, क्या तब अजय अपने उसी पुराने व्यवहार में ना लौट पाएंगे? मेरा बच्चा सब जानबूझकर मुझे या विजय को क्या अधिकार था? परंतु आज इन प्रश्नों का प्रिय किसी भी प्रश्न का क्या औचित्य है? आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है। ये युद्ध भूमि है और अनुसंघर्ष के लिए संबद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे अड़े कुछ नहीं आया, ना संस्कार ना मोह ना संबंध ना आदि। शालीन रहकर अनुराधा यह संघर्ष कर रही थी, यह तम अन्याय वह भी त्याग देती। यह युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा, यह संघर्ष होकर ही रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। अनुराधा इस संघर्ष से जीने के लिए, संघर्ष अधिकारों के लिए, संघर्ष स्वाभिमान के लिए, संघर्ष अनुराधा का एक निरंतर संघर्ष। पंकज कुमार, आइए समझाइए। घटनाक्रम तो आपको याद है पर क्या संपूर्ण कहानी आप समझ पाए? इसका विश्लेषण करते हैं। अंश एक, यह अधिकार इस दास्तव का प्रिय है। कहानी का आरंभ होते ही उसकी नायिका के चिंतन मरण से यहाँ जीवन के वास्तविक संदर्भ में अधिकार का अर्थ खोजने
का प्रयास करती है। उसे लगता है कि अधिकार बनाते तो यह सबके लिए समान रूप से, परंतु उसका लाभ केवल संभल ही उठा पाते हैं। निर्बल तो इसमें वंचित रहकर केवल कर्तव्य पालन में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि संभल को यही ही जीने का वास्तविक अधिकार प्राप्त है। अनुराधा का वजूद सुरक्षित कर लेना चाहती है। उसे आत्मा ज्ञान हो गया है कि वह भी इस दृष्टि की एक अनमोल कृति है, सृष्टि के विकास में इसका भी योगदान है। तो वह सिर्फ दायित्व वाहन के लिए ही क्यों विवश रहे? क्या जीवन जीने का सामान्य सहज अधिकार मांगना भी अनुचित है? ये सब प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को माथने लगते हैं। आपको क्या लगता है? अनुराधा के विचारों के निरकस से यह आप सहमत है सोचिए और स्वयं के विश्लेषण से इसकी तुलना कीजिए। कथा के आरंभिक अंशों से सेज की जिज्ञासा उभरती है कि अनुराधा के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई और उसने निश्चित किया कि वह स्वयं को योग्यतम सिद्ध करेगी। कथा के पत्ते खुलने लगती है। आगे की पंक्तियाँ में ही वह बताती है कि उसके पति विजय अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु एड्स से हो चुकी है। तुरंत ही कथा के आरंभ से सूत्र जुड़ जाते हैं। क्या आरंभ से ही नारी को कठोर परिस्थितियों में निर्णय लेने की छूट नहीं देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? अब जब परिस्थितियों ने उसे कठिनाई की आंगन भट्टी में डाल दिया तो उसका मस्तिष्क सक्रिय हो उठा। वह कहती है कि देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्या उत्तर देंगे आप अनुराधा के इस प्रश्न का? आपको नहीं लगता इस प्रश्न में एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है? आप तुरंत या सहजता से उसका उत्तर नहीं दे पाते। वास्तव में मान मर्यादा का स्त्री की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न जितना विवाह से पूर्ण महत्वपूर्ण है उतना ही विवाह के बाद भी। व्यावहारिक जीवन की सफलता तो पति पत्नी दोनों पर निर्भर है, जो फिर इस जीवन में एक अति महत्वपूर्ण और दूसरा पूर्णतः नांगेय कैसे हो सकता है? पति को स्वामी कहा जाए तो फिर गृह स्वामिनी को दासी ही क्यों माना जाए? क्या ये उचित है? दोनों को ही समान अधिकार समान महत्व दिया जाए तभी स्वास्थ्य समाज का निर्माण हो सकता है, क्योंकि समाज नारी पुरुष के इसी समस्या पर टिका है। अगर इसमें टकराव होगा तो भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकार पूर्ण होने से कोई नहीं बचा सकता।